नहीं डालो ना। हाँ मत डालो जब है ही नहीं तो। नजर आ रहा है? नजर ही नहीं आ रहा, पता ना कहाँ गुमसुम अपने इलाके की रक्षा के लिए घूमता रहे। चलो आज दोनों का पूरा करो, ठीक ठाक वेट बढ़ जाएगा। जय सिया राम सर। जय सिया राम, जय सिया राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब। आ गया सर, आ गया मोटू, आ गया, डाल दो इसको। आ गया आ गया, छोड़ के परे के निकल के। हाँ राणा जी, जी क्या हाल है आपके? बस सर, सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते हैं सर, मन प्रसन्न हो जाता है। और बताओ, बस कृपा भाई, प्रदीप आया नहीं? प्रदीप पर दोनों आ रहे हैं, पर परमिंद भी और वे लोग बोले हम तो परे के जाएंगे, पूरे नंबर छोड़ के तो परे निकल। आज मैंने हां भरवा ली है, भरवा ली हरिद्वार। अच्छा मैं उसे ये नहीं है, सुनो मैं तो लोटे में जाऊंगा, और दोस्तों ये मॉर्निंग पार्क का व्यू देखो, आज बारिश आने वाली है, बहुत ही घटा छाई हुई है। और ये देखो, ये हम पहले ही बताता रहा हूँ, मिनी खजियार लग रहा है पूरा, बिल्कुल बहुत ही ग्रीनरी, पेड़ ही पेड़। योगा वाले भी बैठे हैं, देखो सुबह सुबह 5:35 का टाइम हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और सामने हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, बहुत बढ़िया। जय श्री राम दोस्तों, आज 27 जून वीरवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो रेस है कंप्लीट हो गई है, बाकी सारे अवसर करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। मित्रों कार्डियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी रस्सी कूद, जिसमें 200-200 रिपीटेशन की हम 3 सेट लेंगे। टांगें मजबूत होती हैं, काफ मजबूत होता है, पेट का फैट कम होता है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, इसलिए इसे अपने डेली वर्कआउट में शामिल करें। और ये सर की रस्सी कूद 300-300 3 सेट लेंगे सर, बहुत बढ़िया। मित्रों कार्डियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी 6 एक्सरसाइज हैं, जिसमें जंपिंग जैक्स है, 30-30 रिपीटेशन के हम 3 सेट लेते हैं। आप भी इसे अपने डेली वर्कआउट में शामिल करें, यदि आप रेगुलर करते हैं तो परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। ये दूसरी एक्सरसाइज, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के आपको 3 सेट लेने हैं, इसे भी डेली एक्सरसाइज में आप शामिल करें। ये तीसरी एक्सरसाइज है, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छे सर। और ये सर की टर्न, ये भी सर भी 3 एक्सरसाइज करेंगे। ये सर की पहली एक्सरसाइज 30-30 के 3 सेट, ये सेकेंड, बहुत बढ़िया सर। और ये थर्ड। प्रिय मित्रों कार्डियो सेशन के बाद ये हमारी मसल ट्रेनिंग, जिसमें हमारी 4 एक्सरसाइज होती हैं। पहली एक्सरसाइज सपाटे, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने, आंतरिक शक्ति का पता चलता है, आप भी इसे अपने डेली वर्कआउट में शामिल करें। और ये सर की सेकंड एक्सरसाइज, ये है डिप्स, 30-30 3 सेट लेंगे सर, बहुत बढ़िया। प्रिय मित्रों मसल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए ये देसी दंड फुल बॉडी वर्कआउट, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट, आप भी अपनी डेली वर्कआउट में शामिल करें, बहुत अच्छे। और ये सर की 4th एक्सरसाइज स्क्वैट, ये भी 30-30 3 सेट लेने हैं, बहुत बढ़िया। और ये मित्रों फाउंटेन चल पड़े, देखो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया व्यू, बहुत अच्छा। मित्रों ये है बकासन, जिससे हमारी पैनक्रिया सही से काम करती है, इंसुलिन सही से रिलीज होता है, मधुमेह जैसे रोगों से बचे रहते हैं। 1 मिनट की अवधि रखोगे तो इसके पूर्ण लाभ आपको मिलेंगे। मित्रों ये है शीर्षासन, जिससे हमारी धमनी और सिराएं मजबूत होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ बहना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे बाल नहीं झड़ते, हमारे चेहरे की चमक बरकरार रहती है। 1 मिनट की अवधि रखेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों ये हमारा प्राणायाम सेशन,
जिसमें 3 सेट कपालभाति के लेते हैं। आप भी आंतरिक अंगों की मजबूती के लिए, मानसिक शांति के लिए प्राणायाम अवश्य करें। मित्रों, प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये अनुलोम विलोम, इसके भी हम 20-20 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। आप भी इसे अपने डेली वर्कआउट में शामिल करें। मित्रों, यह भ्रामरी, और जैसा कि आप जानते हो, इससे हमारा न्यूरॉन सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे बुद्धि तीव्र और याददाश्त अच्छी होती है। बहुत अच्छे सर। प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह ओम का जाप, कोई भी ध्यान प्रक्रिया शुरू करने से पहले हम ओम का जाप करते हैं। जय श्री राम। मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है। आज है 27 जून, और आज हम मुंशी प्रेमचंद की कुछ लाइनों का जिक्र करना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं भी एक मजदूर हूँ और मेरा काम है लिखना, और यदि मैं रोज़ाना कुछ लिख न लूँ तो मुझे कोई अधिकार नहीं है भोजन करने का, नींद लेने का। यहाँ हर किसी के काम बटे हुए हैं, और यदि हम अपने काम ईमानदारी से अपने कामों का निर्वहन कर रहे हैं तो सच्ची देशभक्ति वही है। जैसे देखिए, एक सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर सीमाओं की रक्षा करता है, एक किसान अपने श्रम की बाजी लगाकर धरती माँ का सीना चीर कर फसल उगाता है, एक शासक अपने ज्ञान की बाजी लगाकर जनहित में नीतियाँ बनाता है, और प्रशासक अपने चरित्र की बाजी लगाकर उन नीतियों को जनता तक पहुँचाता है। यही हमारे सबके कार्य हैं। और देखिए, यदि हम अपने जो भी हमें कार्य मिला है उसका निर्वहन ईमानदारी से कर पा रहे हैं, यही हमारी सच्ची देशभक्ति है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।